स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग जहां स्वास्थ्य प्रणाली को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं यदि वहां पर सभी कार्य नियमित तरीके से चल रहे हों। परंतु अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी अनियमितताएं स्वास्थ्य विभाग केंद्रों पर दिखाई देती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कन्नौज से, जहां घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचने पर कोई भी स्टाफ नजर नहीं आया। ताजुब की बात यह रही कि उस समय विधायक जी मौजूद थे, जिन्होंने ऐसा देखकर स्टाफ को फटकार लगा दी। सरकारी स्वास्थ्य महकमे में लचर व्यवस्था को लेकर आए दिन आने वाली शिकायतों के मद्देनजर विभाग द्वारा की जाने वाली अनदेखी की खबरें आम होती जा रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कन्नौज जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला। नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व कमिश्नर बाइक सवार घायलों के साथ एक 5 वर्षीय बच्चे को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां की व्यवस्थाएं देख खासे नाराज नजर आए। बताते चले 198 नवनिर्वाचित सदर विधायक असीम अरुण द्वारा नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विनोद दीक्षित, जो कि कुछ मरीजों को लेकर प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं की पूरी तरह से अनदेखी मिली। उसके चलते विधायक चिकित्सीय स्टाफ पर खासे नाराज हुए, एक निश्चित समय पर पुनः निरीक्षण करने की बात भी कही। घायलों को 108 एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाने के बाद जब अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया तो बहुत हद तक व्यवस्थाओं में सुधार देख कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए और भविष्य में ऐसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उचित दिशा निर्देश भी देते नजर आए हैं। देखें रिपोर्ट संवाददाता अमित मिश्रा के साथ। R9 भारत के लिए अमित मिश्रा कन्नौज। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ विनोद दीक्षित चिकित्सालय कन्नौज में। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर इस समय नव निर्वाचित विधायक असीम अरुण जी ने यहाँ पर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और उस निरीक्षण करने के बाद क्या क्या उनको यहाँ पर खूबियाँ और खामियाँ नजर आईं, चलिए मैं आपको उनसे रूबरू कराता हूँ, उनसे पूछता हूँ। ये किस प्रकार का सर अभी आपने एकदम इमीडिएट यहाँ पर एक औचक निरीक्षण किया है, किस बात को लेकर के और क्या आपको यहाँ पर खूबियाँ और क्या कमियाँ नजर आई? जी, आज दिन में एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे सामने, जिसमें कि एक बच्चा और एक परिवार महिला उनके पति को चोट लगी थी। तो यहाँ विनोद दीक्षित अस्पताल पे उनको लेकर के जब मैं आया तो मुझे लगा कि व्यवस्था में कमजोरी थी। तो CMO साहब मौजूद हैं, CMO साहब से मैंने अनुरोध किया और अब CMO साहब ने शाम तक व्यवस्थाओं को बढ़िया करके मुझे दिखाया है, आगे और अच्छा करेंगे ऐसा वादा किया है, मुझे पूरा विश्वास है करेंगे भी और हमारी मेडिकल सेवाएँ अच्छी से अच्छी होंगी। विशेषकर इमरजेंसी जो है वो हमारे दोनों जिला अस्पताल की भी विनोद दीक्षित अस्पताल की अच्छी चलेगी, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट आदि मेडिकल केसेस होते हैं उसमें इलाज बहुत तेज़ी से हो सके। क्या सर ये मैं यहाँ कन्नौज जनपद के आप लोकसभा कन्नौज 198 के जो भी हाँ विधानसभा जो है कन्नौज 198 के लोगों का ये सौभाग्य समझो कि आप जैसा जो है जनप्रतिनिधि उन्होंने चुन करके लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हॉस्पिटल जो है बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में रहा है। क्या इसकी व्यवस्थाएँ आपके आने के बाद यहाँ के जो भी जनमानस है उनको अच्छे तरह सुविधाएं मिल पाएंगी? मैं इसमें अनुरोध करूँगा सौभाग से CMO साहब विनोद जी मेरे साथ में हैं, डॉक्टर साहब आप बाइट में थोड़ा सा असिस्ट कर दें कि क्या क्या सेवाएं हमारी इमरजेंसी में। सर 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 जी सर, जैसा कि आज से पूर्व यहाँ पर देखा गया है कि स्टाफ थोड़ा हमको कम दिखाई पड़ा और आज जिस हिसाब से स्टाफ दिखाई पड़ा, क्या ये भविष्य में भी ऐसा ही स्टाफ यहाँ पर जो है 24 घंटे देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, स्टाफ तो वही है जो इमरजेंसी में लगता है ना, डॉक्टर फार्मासिस्ट वार्ड बॉय स्वीपर 4 तो आज हैं, लेकिन कल से आपको पूरा स्टाफ मिलेगा, छुट्टी थी आज तक सर। बाकी या तो ये त्यौहार का कह लीजिए समय, क्योंकि माननीय विधायक जी द्वारा जो है इसी को लेकर के यहाँ पर एक ऐसा केसेस आया था, तो वहाँ पर स्टाफ के ना होने कारण लोगों को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो क्या अब ऐसी समस्याओं का सामना भविष्य में करना पड़ेगा या नहीं? ये मैं मानता हूँ आज कुछ ऐसा इस हॉस्पिटल में हुआ है, लेकिन आगे से मैं सर को प्रॉमिस दिलाता हूँ कि कल के बाद ऐसा यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। बहुत धन्यवाद साहब, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है सब लोग बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाएंगे और चिकित्सक से आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर नव निर्वाचित विधायक जी के द्वारा यहाँ पर औचक निरीक्षण करके जो भी खूबियाँ या कमियाँ थी उनको यहाँ पर उजागर करके और
उसके द्वारा जो है अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया और चलते मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी ने पूरा उनको आश्वासन दिलाया है कि भविष्य में इस पार्क की खामियां नहीं होंगी और यहां की जनता को जो भी सुविधाएं सुचारू रूप से अच्छी मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। कन्नौज जनपद से अमित मिश्रा के साथ पुष्कर शर्मा की रिपोर्ट।